जुड़ी हुई है जहां पर शिक्षा विभाग पर साइबर ठगी का जाल बिछ रहा है। आपको बता दें कि स्कूल प्रिंसिपल पर ठगों की नजर है, कई से पैसे लिए गए हैं। शिक्षा संकुल, शिक्षा काउंसलिंग और राज्य शिक्षा केंद्र से बात करने का हवाला दिया है इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां पर शिक्षा विभाग पर साइबर ठगी का जाल बिछाने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रिंसिपल पर ठगों की नजर है, शिक्षा संकुल, शिक्षा काउंसलिंग और राज्य शिक्षा केंद्र से बात करने का हवाला दिया। आपको बता दें कि स्कूल प्रिंसिपल पर साइबर ठगों की नजर है, कई से पैसे लिए हैं। शिक्षा संकुल, शिक्षा काउंसिल, राज्य शिक्षा केंद्र से बात करने का हवाला दिया इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां स्कूल प्रिंसिपल पर ठगों की नजर है, कई से पैसे लिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र से बात करने का हवाला दिया। शिक्षा विभाग पर साइबर ठगी का जाल बिछता हुआ नजर आया, जहां स्कूल प्रिंसिपल पर ठगों की नजर, शिक्षा संकुल, शिक्षा काउंसलिंग और राज्य शिक्षा केंद्र से बात करने का हवाला दिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सैन ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, शिक्षा विभाग पर साइबर ठगी का जाल है, जहां स्कूल प्रिंसिपल पर ठगों की नजर है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ठगों की नजर शिक्षा विभाग के स्कूल प्रिंसिपल संस्था प्रधान है उनके ऊपर यहाँ पर देखी जा रही। लगभग आधा दर्जन के करीब इस तरह के मामले जो है हमारे सामने भी आ चुके हैं। कुछ लोगों ने हमारे को इस बात की शिकायत भी रखी है, जब उनको पता लगा कि वो ठगे गए हैं। दरअसल ठग जो है वो इस तरह का कॉल करते हैं सामने वाले को, संस्था प्रधान को पहले नाम बताते हैं, नाम बताने के साथ उनका मेल आईडी बताते हैं और फिर बताते हैं कि वो शिक्षा संकुल से बोल रहे हैं या शिक्षा काउंसिलिंग से बोल रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र से बोल रहे हैं। ये हवाला देने के बाद में सामने वाले जो संस्था प्रधान है उसको लगता है कि अपना नाम भी जानता है, मेल आईडी तक बता रहा है, उसको लगता है कि शायद सही कॉल यहाँ पर होगा। फिर नामांकन की जानकारी उसे ली जाती है और फिर उसे पूछा जाता है कि आपके इस मद में कितना बजट इस 2023 और 24 के अंदर आया है। फिर बताया जाता है कि 181 पर उनकी शिकायत दर्ज हुई है और शिकायत की जांच जो सरकार की ओर से की जाएगा, शिक्षा विभाग की ओर से की जाएगी। और फिर वहां से ठग जो है वो देखता है कि सामने वाला किस तरह का रेस्पॉन्स दे रहा है और फिर संस्था प्रधान को बताया जाता है कि दो तरह की जांच होंगी। एक जांच में आपको 2 महीने तक सस्पेंड रहना पड़ेगा और उसके बाद में अगर आप गलत रहे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा, या फिर एक जांच ऐसी बताई जाती है नॉर्मली उसको बताया जाता है टीचर्स को, जितनी राशि आपको मिली है फंड की उसकी आधी राशि आप वापस से लौटा दीजिए राज्य शिक्षा केंद्र को और फिर आपको 5 से 7 दिन के अंदर जांच होगी, इसमें आपको निलंबित भी किया जाएगा। हालांकि दोषी होगी तो आपके निलंबन की कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप किसी तरह के दोषी नहीं है तो आपको कोई निलंबित नहीं रहना पड़ेगा। यानी एक तरफ तो उसको डराया जाता है कि उनको 2 महीने तक पहले निलंबित रहना पड़ेगा, फिर आगे जो उसको निष्कासित किया जा सकता है, और दूसरी तरफ पैसे ऐंठने के चक्कर में तो संस्था प्रधानों को एक रास्ता सुझाया जाता है ताकि वो संस्था प्रधान आसानी से इस जाल में फंस जाए। कई शिक्षक ऐसे रहे, संस्था प्रधान ऐसे रहे जिन्होंने इस जाल में फंस भी गए, उन्होंने अपने पैसे भी जो है जो 25,000 कोई बता रहा है, कोई 30,000 बता रहा है, कोई 60,000 रुपए राशि बता रहा है, वो उनके बताए हुए नंबर पर भी वहां पर डाल दिया। लेकिन जब उनको पता लगा इस तरह का फ्रॉड हो रहा है उसके बाद में मीडिया तक उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। फिलहाल जनती भी तमाम संस्था जो प्रधान है या शिक्षक वर्ग जो है या शिक्षा में विभाग में जो कर्मचारी है वो इस तरह का काम करें, क्योंकि शिक्षा विभाग से इस तरह की जानकारी ली गई है हमारी तरफ से। तो शिक्षा विभाग ने कहा कि इस तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है, किसी के पास भी अगर कोई फोन कॉल आता है तो उसको अलर्ट रहें, किसी को पैसे नहीं डालें, क्योंकि इस तरह की जांच शिक्षा विभाग में कभी नहीं होती है। तो सावधान रहने की जरूरत है तमाम शिक्षा अधिकारियों को, शिक्षकों को, संस्था प्रधानों को। और अगर इस तरह का कॉल आते हैं तो अगर आने वाले दिनों में अगर किसी संस्था प्रधान के पास में कॉल आए तो राशि नहीं दें ताकि ठगों के जाल से बच सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि शिक्षा विभाग पर साइबर ठगी का जाल बिछ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग का कहना है कि इस तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है, इसीलिए सभी संस्थाओं को कहा गया है कि वो सावधान रहें।